ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता, साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातकों की अगर बात की जाए तो सूर्यदेव के प्रतिनिधित्व में पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य और तालमेल बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी जटिल समस्याओं का हल आप स्वयं निकालने में सक्षम होंगे। लंबित जो सरकारी काम है उनमें भी पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। उपाय कर सकते हैं, नारंगी या लाल रंग के वस्त्र को धारण करें। मूलांक दो के जातक जिनका प्रतिनिधित्व चंद्रदेव कर रहे हैं, मित्र के जन्मदिन में शामिल होने का मौका मिल सकता है। परिवार के साथ छोटी यात्रा हो सकती है और व्यापार में आज किसी नए अनुबंध में हस्ताक्षर हो सकता है, यानी नया कॉन्सर्ट मिल सकता है, नया प्लान बन सकता है। नौकरी में बदलाव को जो लोग इच्छुक हैं उनको आज सफलता जरूर मिलेगी। उपाय भी करें, शिवलिंग का दुग्धाभिषेक करें। मूलांक तीन के जातक आज बृहस्पति जी की प्रतिनिधित्व में भाग्य हर क्षेत्र में आपका पूरा साथ दे रहा है। सामाजिक कार्यों में अगर शामिल होने का मौका मिले तो बिल्कुल जाएं। कार्यालय में भी आपके अधीनस्थ जो सहकर्मी हैं उनके साथ आपके संबंधों में सुधार आ रहा है। युवा वर्ग अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। उपाय, पीतल के बर्तन घर में उपयोग करें। मूलांक चार के जातक आज राहु देव के प्रतिनिधित्व का फल आपको मिल रहा है, जिससे किसी के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने से साथ ही साथ आपको बचने के संकेत हैं। जल्दबाजी में लिए गए जो निर्णय हैं उनसे हानि उठानी पड़ सकती है। व्यवसाय में खर्चों की अधिकता आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आज भोजन के बाद एसिडिटी भी परेशान कर सकता है, इसलिए सोच समझ कर खाएं। उपाय भी करें, धूम्रपान निषेध करें। मूलांक पाँच के जातक बुधदेव के प्रतिनिधित्व में आज व्यापार में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले उसके हर पहलुओं पर विचार अवश्य करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रह रहा है और किसी पुराने रोग से भी आज मुक्ति मिलती दिख रही है। उपाय कर सकते हैं, गाय को पालक या कोई हरी भाजी खिलाएं। मूलांक छह के जातक शुक्रदेव के प्रतिनिधित्व में जीवन साथी के साथ अनबन होने के संकेत, लेकिन इसमें समय रहते सुझाव और सुलह हो जाएगी और व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से भी बचें। आज वाहन चलाते समय जो है सावधानी बरतने की जरूरत। कार्य क्षेत्र में भी आपकी जिम्मेदारी भरे किसी काम को लापरवाही से बिल्कुल भी ना करें। त्वचा में किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, इन सभी चीजों के लिए उपाय करें, सफेद चंदन का टीका करें। मूलांक सात के जातक केतुदेव के प्रतिनिधित्व के साथ रुके हुए सरकारी कामों को पूरा करने में परिजन जो हैं वो आपकी मदद करेंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन होने की संभावना बन रही है और व्यवसायिक क्षेत्र में भी आज आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलेंगे। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का अच्छा प्रस्ताव आएगा। उपाय करें, काले तिल दूध में मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। मूलांक आठ के जातक शनि देव के प्रतिनिधित्व में घर में मेहमानों के आने से घर का माहौल सुखद नजर आ रहा है और पिता के साथ भी किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद के साथ ही साथ संकेत मिल रहे हैं। संतान की समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद आज आप करेंगे। उपाय करें, काली चींटियों को आटा दें। आइए बात करते हैं मूलांक नौ वालों की। तो मूलांक नौ के जातक मंगल देव के प्रतिनिधित्व में आज सामाजिक मेलजोल में व्यस्तता रहेगी, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ घरेलू सामान खरीदने में पैसा व्यय हो सकता है और करीबी मित्र से भी कोई सुखद समाचार सुनकर मन में प्रसन्नता होगी। उपाय भी कर सकते हैं, भाइयों का ध्यान रखें और उनके साथ अच्छे संबंध रखें।